سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر الدمام أتينا لشارقة الخير شوقا لقصد المعالي بسم الله الرحمن الرحيم

अफुलबी यह रसूल सल वसलम का इरशाद गरामी है जो बहुत ही सही सनत के साथ इमाम मुसलिम राम ने अपनी किताब से मुस्लिम में रिवायत किया है तो हरार रज़ अल्लाह तावी हैं कि रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम मोमिन न हो अगर मोमिन नहीं होगे तो जन्नत में दाखिल नहीं होगे। ये बात तो वही है जो सब मुसलमान जानते हैं रसूल सल्हस का इर्शाद है, क़रन करीम और सन्नत नबीय की तलीमत हैं अब वसलम आगे फरमाया कि वाला तो मन हता अब यह बहुत ये भी बहुत अहम जुमला है और इसकी अहमियत इस वजह से ज़्यादा है कि इस तरफ़ लोगों का ध्यान नहीं है फरमाया कि तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम आप इसमें एक दूसरे से मुहबत न करो तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते ईमान के बग़ैर और ईमान नहीं हो सकता आप इसकी मोहब्बतों के बग़र बार रब्वल है आज दाजदारम सरबर कौन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलील वसम विलादत भी है योम वफात भी है मशहूर रवायात की बुनियाद इस वास्ते इस दिन का ये पैगाम मैं समझता हूँ कि बहुत अहम पैगाम है कि जन्नत में दाखिला बग़ैर ईमान के नहीं है और ईमान नहीं रहता जब तक मुसलमान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करें सवाल पैदा होता है ये तमाम मुसलमानों से हर एक मुसलमान से मोहब्बत करना तो इंसान के इख्तियार में नहीं है मोहब्बत का मामला दिल का मामला है हर इंसान के इख्तियार में नहीं है किसी से आदमी को कल भी मोहब्बत होती है किसी से नहीं होती और यहां बताया जा रहा है कि ईमान ही पूरा नहीं होगा कामिल नहीं होगा जब तक आप इसे में मोहब्बतें ना हो की। इस बात एक बड़ा इश्काल हमें ऐसा हुक्म दिया गया है कि जो बजाय हमारी ताकत से बाहर है हमारी कुदरत से बाहर है इख्तियारी से मोहब्बत होती है किसी से नहीं होती है। इस बात रसूल सरापर रहमत हैं उम्मत के लिए उम्मत के हर फर्द के लिए खुद ही इस मुश्किल का हल निकाला और इस मुश्किल का हल खुद बतलाया और फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बताऊं कि अगर तुम वो काम करने लगो तो तुम्हारी आपसे में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी तुम समझ रहे हो कि मोहब्बत गैर इख्तियारी है ठीक है मोहब्बत गैर इख्तियारी है लेकिन उसको हासिल करने का रास्ता इख्तियारी है आप इसमें मोहब्बतें पैदा करने का रास्ता इख्तियारी है वो तुमको बता देता हूँ रास्ता क्या है और वो ये कि आप इसमें सलाम को फैलाओ आप इसमें सलाम को फैलाओ एक दूसरे को सलाम किया करो अब देखिए तर्जमा हदीस का इस तरह हो गया कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते ईमान के बग़ैर और तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता आप इसकी मोहब्बतों के बग़ैर और आप इसकी मोहब्बतें अगरच गैर अख्तियारी हैं लेकिन इसको हासिल करने का तरीक़ा इख्तियारी है और वो ये है कि एक दूसरे को तुम सलाम करने का को रिवाज दो फरू सिर्फ ये नहीं निका के सलाम करो बल्कि निका के सलाम फैलाओ क्या मतलब है कि कसरत से जितने मौाक सलाम के हैं उन मौाक पर सलाम किया करो और सलाम के माना असल सलामती हो तुम पर अच्छा सलाम करना सुन्नत मक्कदा है इब्तदा करना से पहल करना सलाम में इब इप्त, इब्तदा करना सलाम में सुन्नत मुअक्कदा है और वाजिब इसका जवाब देना वाजिब है वाजिब अगर अदा नहीं करें गुनाहार होंगे तो सलाम किया करो और जब कोई सलाम करे तो उसका जवाब दिया करो चुनाचे सलाम के सिलसिले में रसूलुल्लाह रसूल वसल्लम की बहुत अहादीस है आपका आपके अखबाल भी हैं और आपका अमल भी है एक और हदीस में जो बुखारी शरीफ में अभी आई है मुसलिम शरीफ में भी रसूल सल्ला वसल्लम से पूछा गया कि इस्लाम का सबसे अच्छा अमल कौन सा है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हो आपने फरमाया कि एक दूसरे को खाना खिलाना और एक दूसरे को सलाम करना उनको भी जिनको तुम पहचानते हो उनको भी जिनको नहीं पहचानते सलाम बकराम अलामन आरफ्ता तारिफ सलाम करना उनको भी जिनको पहचानते हो और उनको भी जिनको नहीं पहचानते उनको भी सलाम करना मालूम हुआ कि सलाम की सुन्नत सिर्फ ये नहीं है कि कोई जान पहचान का आदमी मिल गया तो सलाम कर लिए बल्कि सुन्नत ये है कि जो भी मिले सलाम करो और सलाम में पहल करने वाले को सवाब ज़्यादा मिलता है जवाब देने वाले को भी सवाब मिलता है मगर उस दर्जे का नहीं तो सलाम में पहल करना और ज़्यादा अफजल है और चुनाच क़ायदा भी यह है इस्लामी शरीयत का कि अस्सलामु किसमु कलाम। जब भी कोई किसी से बात करनी हो किसी से मुलाकात हुई है सबसे पहला काम यह कि सलाम करो हर गुफ्तु बाद में मिजाज बखैर खैरियत हैं ये सब बातें बाद में सबसे पहले असल हदी से सही में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजा तुम हज़रत फारूक़ आजम रज़ी तु के साहबजादे जदीदुल कदर साबी हैं ख़ुद भी उनके शागिद खास कहते हैं कि वो बाज़ार तशरीफ़ ले गए मैं भी साथ था बाज़ार में घूम फिर कर आगे जो भी मिलता था सलाम करते थे किसी दुकान पर न रुके ना किसी चीज चीज़ का कोई भाव मालूम किया ना कोई चीज़ ख़रीदे न फरोख की वापस आ गए अलबतः जो भी मिलता गया सलाम करते गए तो कहते हैं शागिद कहते है कि मैंने अर्ज़ की कि आप बाज़ार तशरीफ़ ले गए थे बाज़ार का तो कोई भी काम आपने नहीं किया कि किसी चीज़ की कीमत तक नहीं पूछी किसी दुकान पर रुके भी नहीं फिर मैं हम तो सलाम करने गए थे मुसलमानों को कि वहाँ मुसलमान बहुत होते जो मिलेगा सलाम करेंगे चुनाच सलाम की बहुत ताकीद है रसूल वसल्लम की एक आदत शरीफा बयान की गई कि जब आप किसी लोगों के पास जाते थे तो तीन मरतबा सलाम करते थे इसका एक मतलब तो ये बयान किया गया है कि मसल मतलब मजमा ज़्यादा है तो मजमे में दाखिल हुए इब्तदाई इप्त, इप, हिस्से में उसके दाखिल हुए तो उनको सलाम किया फिर और आगे बढ़े तो और आ, अब उनको सलाम किया और आगे बढ़े तो उनको सलाम किया ताकि सबको सलाम पहुँच जाए आवाज़ मिल जाए पहुँच जाए और एक इसका मतलब ये बयान किया गया है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मिलने जाते थे तो घर में आवाज़ देने के लिए तरीक़ा ये नहीं था कि हमारे यहाँ तो घंटी बजाने का रिवाज है दरवाज़े बदस्तक देने का रिवाज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही थी तालीम भी यही थी कि किसी के यहाँ जाओ तो अंदर दाखिल होने के लिए इजाज़त तलब करो असलम कहकर असल और जब अंदर दाखिल हो जाओ तो फिर का वहकुम और जब वापस आने लगो तो फिर कहो तो इस तरीके से जहां आप तशरीफ ले जाते तीन लोगों के पास तो तीन मरतबा सलाम हो जाता था एक मतलब इसका और भी है और वो भी दूसरी अहादीत से साबित है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत ये की थी कि अगर किसी से तुम्हें मुलाकात कर दी है जाना है उसके घर पर या किसी घर पर या उसकी जहाँ भी वो मौजूद है तो दस्तक देने की बजाय एक बार तबका वालेकुम जवाब आ जाए तो ठीक है फिर जवाब ना आया तो दोबारा का वलमकम फिर भी जवाब ना आए तो फिर कौ तीसरी मरतब फिर भी जवाब ना आए तो वापिस चले जाओ फिर इस तरह ना करो ये ये अलामत इस बात की है यह तो घरवाले मौजूद नहीं हैं यह वो इस वक्त पोजिशन में इस पोजीशन में नहीं कि वहां से मुलाकात कर सके चुनाच रसूल सल्हसम की तरफ से आप देख रहे हैं कितनी ताक़द है सलाम की आपका मामूल था कि जब भी घर में दाखिल होते तो आप असलम कहते थे घर वालों को बच्चे मिलते तो उनको सलाम कहते थे असलम बड़े मिलते तो उनको वालेकुम कहते थे हमारे यहाँ एक रिवाज ये हो गया है कि लोग यह इंतज़ार करते हैं कि छोटे हमें सलाम करें बड़े खुद को खुद छोटों को सलाम नहीं करते ये तरीका भी रसूल वसल्लम का नहीं है बल्कि जो पहल करेगा उसको जवाब ज़्यादा मिलेगा आप अफसर हैं ऑफिस में जाते हैं सब आपके माते थे इस इंतजार में ना रहें कि वो आपको सलाम करेंगे आप असलकम करें वो सब सलाम का जवाब देंगे उनके लिए बेहतर यही था कि वो सलाम करते इब्तदा वो करते लेकिन यह कि आप इस इंतजार में ना रहें घर में आप जाते इसे इंतजार में ना रहें कि बच्चे और घर वाले आपको सलाम करेंगे बल्कि आप असल करें और बच्चों को सलाम करने में एक बड़ा फायदा यह भी है कि इस तरीके से इस वो इस्लाम आदाब सीखते हैं उनको भी आदत पड़ती है चनाचे हम अपने बच्चों को सलाम करते हैं ये कम हम कहते हैं कि तुम सलाम करो हम उनको असल को कहते हैं तो रफ्ता रफ्ता उनको आदत पड़ जाती है सलाम कहने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ अभी यही थी कि घर में दाखिल होकर सबसे पहले आप सलाम करते थे और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी तबसुम होता था जो साहब ही मिलता आप सलाम करते थे ओलमा ने यहाँ तक लिखा है मसला कि अगर आप दो आदमी के साथ जा रहे हैं रास्ते में बीच में कोई आड़ आ गई कोई बड़ा दरख्त आ गया कोई छोटा सा कोई कम कोई दीवार आ गई और आप इधर से निकले दूसरा उधर से निकला फिर मिले अब दोबारा जब मिले तो फिर भी सलाम करें पिछले सलाम काफ़ी नहीं इसी तरीके से मसलन मतलब आप बैठे हुए हैं घर में मेहमान आपके पास हैं आप घर में जाते हैं किसी काम से पानी पीने के लिए या पानी लाने के लिए कोई और चीज़ किसी काम के लिए और उसी लम्हे वापस आ जाते हैं जब दाखिल हो फिर सलाम अमैकूँ जितनी मरतब आप अंदर जाकर वापस आए फिर कहो अम कुरान करीम में आ था सलाम की बड़ी ताक़द आई है या लदी आमन लू बलोम वला वलम किसी जब भी घरों में दाखिल हो तो सलाम किया करो तो सलाम की ताक़ीद क़रा क़रीम में जगह जगह आई है और इस हदीस में जो मैंने पढ़ी आपके सामने उसमें तो ये बताया गया है कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो जनत में दाखिल नहीं होगी जब तक कि तुम मोमिन ना बनो और मोमिन नहीं बनोगे पूरे जब तक कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करो और मोहब्बत करने का मोहब्बत पैदा करने का तरीक़ा यह है कि तुम आप में एक दूसरे को सलाम किया करो सलाम का कर रिवाज दो सबक सदर पाकिस्तान जाहल साहब मरहूम ने एक काम ये किया था कि तमाम सरकारी इदारों में हदायत जारी कर दी थी कि जो कागज़ भी कोई फरमान जाता है अफसरान की तरफ से हुक्म नामा कोई सरकारी कागज़ उस पर बिसमिल्लम लिखा जा जाता था दूसरी हिदायत ये जारी कर दी थी कि जितने टेलीफोन आपते हैं मुख्तलिफ़ इदारों और शोबों में दफ्तरों में वो टेलीफोन उठाकर हेलो ना कहें हेलो कह के बजाय अस्सलाम वालेकुम कहें सलाम वालेकुम टेलीफोन करने वाला भी अस्सलाम वालेकुम कहे टेलीफोन उठाने वाला जब वो उसका अस्सलाम वालेकुम सुने को वालेकुम अस्सलाम कहे और अगर पहले इसने कर दिए पहले इस्लाम इसने किया है तो सुनने वाले जवाब दे यहाँ तक ताकीद है सलाम का जवाब देने की सलाम का जवाब देना वाजिब है कि एक मरतबा एक साहब ने हजरत ऊस्मान गनी रज् को सलाम किया और हजरत ऊस्मान गनी रज उस वक्त किसी मशगले में थे या उनका ध्यान नहीं था उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया तो इंसाब ने जाकर अमीर उलमिन आजम अजम रज़ील्ला तु से शिकायत की कि मैंने उस्मान को सलाम किया था उसने मुझे जवाब नहीं दिया फारुक़ आजम नेनी रज्ला को तलब कर लिया कि तुम्हें इतने सलाम किया था तो उन्होंने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया हजरत स्मानी रज़ील्ल्ला तुन फरमाया कि मुझे पता नहीं चला उन्होंने सलाम किया था तो उनको पता नहीं चला था इस बात से सलाम नहीं किया इस सिलसिले में गफलत बहुत है इस सुन्नत को अगर जिंदा किया जाए तो आप इसे में मोहब्बतें पैदा होंगी आज हमारे मुसलमानों में फूट पड़ी हुई है वजह उसकी है कि सारे असबाब ऐसे तो चल रहे हैं जिनसे आप इसमें फूट पड़े मोहब्बतें पैदा करने वाले असबाब और तरीके नहीं जारी नहीं हो रहे सलाम का एक ख़ासा यह है आप इसका तजर्बा भी कर लें कि जब आप सलाम कर लेंगे किसी को तो फौरन ही एक अपनाइत और उनस की कैफियत पैदा होगी दोनों तरफ इसका आप तजर्बा करते होंगे मुझे भी तजर्बा होता है जहाज़ में पहुँचे अपनी सीट पर हम बैठे वहाँ एक साथ पहले से मौजूद थे हमने अगर सलाम नहीं किया उन्होंने भी सलाम नहीं किया अब दो घंटे का सफर है वो हमसे बात नहीं करेंगे हम उनसे बात नहीं करेंगे वो उठाकर अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे हम भी अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे और अगर आपने सलाम कर लिया वहां पहुँचकर असलम वालेकुम तो फ़ौर थोड़ा सा वालेकुम सलाम वो कहेगा और मानूस हो जाएगा अगले ही लम्हे से आप एक दूसरे से एक कसब का कुर्ब महसूस करेंगे उनसे महसूस करेंगे तो मोहब्बत मोहब्बतें बढ़ती हैं इस सलाम करने से और अलहमदिल्ला मुसलमानों की आदत अब यह फैलती जा रही है अमेरिका में हम एक जगह गए हुए थे तो हम सियाहत की जगह थी तारीख़ी वहाँ तो बहुत लोग थे तो एक सियाह फाम ने मुझे सलाम किया उसने हमारे लिबास से महसूस किया कि हम मुसलमान हैं तो खैर मैंने भी सलाम किया तो इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता एक मतलब मैं ये बराबर क्या है ये छोटा सा मुल्क है हिंदुस्तान के बराबर में नेपाल।, नेपाल एक रात के लिए या दो रात के लिए मैं अकेला था बांग्लादेश से दिल्ली मुझे जाना था एक दो दिन के लिए मैं नेपाल में रुका अकेला था तो खैर मैंने जाने से पहले पूछ लिया तो भाई ढाका में के वहाँ मुसलमानों के होटल होते हैं या नहीं होते मस्जिद होती है नहीं तो उन्होंने मैं लोगों को बता दिया था हमने होटल भी ऐसी जगह लिया कि वहाँ से मस्जिद गालिबन करीब थी अब मैं जब निकला तो मस्जिद को भी तलाश करनी तो मंडी भी तलाश करनी थी और होटल भी तलाश करना था कहीं हलाल खाना मिले समझ में नहीं आ रहा था किससे किससे पूछें तो मैंने चलते चलते एक आदमी को देखा कि उसने टोपी पहनी हुई थी शायद जना कैप थी मैंने उसको वालेकुम कहा ओ बस वो तो दरवाजे खुल गए <laughs> मोहब्बत के वो बहुत तेज़ी से जा रहे थे वो लौट के आए मुसाफा किया और कहा कि आप कहाँ से आए भला जगह से कराची से पाकिस्तान मैं भी पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और खैर खैरियत से आपका भाई मैंने बताया कोई ख़िदमत मैंने कहा बस ये बताया कि हमें एक होटल बता दीजिए और मस्जिद बता दीजिए कहा कि मैं आपको छोड़ के आऊँगा मैंने कहा नहीं हमें बता दी कि नहीं 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 मैं आपको लेकर जाऊँगा अब सारे आसान हो गई एक मरतबा इंग्लैंड से लंदन से हम बाई ट्रेन पेरिस गए बर्फबारी लंदन में भी हो रही थी पेरिस में भी हो रही थी और वो नई लाइन उसी ज़माने में नई नई शुरू हुई थी जेर समंदर के जमीन नीचे से चलती है रेल तीन घंटे में हम वहाँ पहुँच गए तो खैर वो जो हमारे इस तक उन्होंने हमें चिलने वहाँ के इंतजामिया ने रेलवे स्टेशन की हमसे पूछा था कि आपको वहाँ किसी लोडर की ज़रूरत होगी हमने कहा कि ज़रूरत होगी कहा कि हम फैक्स के ज़रिए से लोडर को इतला कर देते वह आपको सामान उत, उतरवा देगा गाड़ी से जनता तो ऐसे ही हमने अपने दरवाज़ा खोला तो सामने एक ट्राली लिए हुए खड़ा हुआ था एक आदमी और जब कहा मिस्टर उस्मानी मैंने कहा ठीक है और उसका हाथ में फैक्स था और वो सामान उसने उतारा और मैं ले किया तो जब वो सामान लेकर चल रहा था उधर बाहर जाने के लिए तो मुझसे कहता वालेकुम मुझे बड़ी खुशी हुई मैंने कहा अस्सलाम आर यू मुस्लिम कि हाँ मैं पुर्तगाली का हूँ मुसलमान हूँ आप अंदाज़ा नहीं कर सकते ऐसे मौाक़े में जब असल का कदम सुनने में आता है उससे कैसी राहत मिलती है तो इस्लाम ने मुसलमानों में इतिहाद और इतफाक़ की तालीम तो दी है लेकिन उसके रास्ते भी बतलाए और ना इतफाक़ी को हराम करार दिया बदतरीन हरामों में से एक हराम ये है मुसलमानों में फूट डालना और आपस में मोहब्बत कायम करना दीन का बड़ा अहम हिस्सा है शरीयत का एक कायदा है एक मिजाज है जब कोई बड़ा गुनाह कबीरा होता है तो उसकी रोकथाम के लिए बहुत दूर से इंतजाम किए जाते आकाम दिए जाते हैं जीना गुना है कबीरा है उसे रोकने के लिए हुक्म दिया गया कि नामैरमों को अपनी नजरें नीचे रखनी चाहिए नाम नामैरम को ना देखें हाथ से ना छुएं, बेतकल्लुफ तनहाई में उनके साथ मुलाकात ना करें खुवात को हुक्म दिया गया कि वो अपने आप को हिजाब में रखें उनके मशागिल घर में रखे गए मर्दों के मशागिल बाहर रखे गए निका के हिदायत रखी गई और निका का तरीका ऐसा आसान रखा गया कि कोई मुश्किल उसमें नहीं हो तो मुश्किल तो हमने अपने यहाँ रस्मों ने पैदा कर दी है वरना निका करना कोई मुश्किल काम नहीं एक घंटे में आधा पौधा घंटे में निका आसानी से हो जाता है वो तो रस्में लोगों ने अपनी तरफ़ से ईजाद कर ली हैं निका को आसान कर दिया ताकि हलाल रास्ता जिनसी जज्बात की तस्किन का मौजूद रहे और बज़ खास हालात में और बाद शराइ कड़ी शराइ के साथ मर्दों को चार तक के निकाह चार तक की बीवियां भी, भी, भी रखने की इजाज़त दी मगर बहुत कड़ी शर्तों के साथ लोग ये तो याद रखते हैं कि इजाज़त दी है ये याद नहीं रखते कि कितनी शराइत के साथ रखी है खैर ये सब इंतजाम किए ताकि हरामकारी की तरफ करीब तो ना जाए आदमी चुनाच कुरान ने कहा कि ला तक करब उस जेना जेना के करीबी में बच जाओ ये नहीं कहा कि जेना ना करो बल्कि करीब भी मत जाओ क्या मतलब है कि ऐसा कोई काम ना करो जिस जो जेना की तरफ रगबत देना वाला हो अपनी आँखों की हिफाजत करो अपने हाथ की हिफाज़त करो अपने दिल की हिफाजत करो औरतों के ना महरमों को ना देखो ना औरतों औरतों को हिदायत की गई कि वो हिजाब में रहें ये सब इंसाम किए गए ताकि जेना से बचे और मुसलमानों में फूट डालना कत्ल गारतगरी करना जिना से भी बड़ा कबीरा गुना है कुफर और शिर्क के बाद सबसे बड़ा कबीरा गुना मुसलमानों का कत्ल है किसी ना नाहक मुसलमान किसी नाहक ना इंसान को मुसलमान कभी बात नहीं किसी भी शख्स को नाहक कत्ल करना कुफर और शिरक के बाद सबसे बड़ा गुना है जिना से भी बड़ा गुना है इसकी रोकथाम के लिए कि मुसलमानों में आप इसमें भाईचारा पैदा हो हिदायत भी इन नमलमिनईबा तमाम मुसलमान भाई भाई हैं किसी भी जबान के बोलने वाले हों किसी भी नस्ल से उनका ताल्लुक हो किसी भी रंग रंगत रखने वाले हों किसी भी इलाके के रहने वाले हों सब मुसलमान भाई भाई हैं पाकिस्तान इसी नजरे पर वजूद में आया था कानून तो ये बना दिया लेकिन सिर्फ कानून बनने से काम नहीं चलता कानून पर अमल करने के लिए माहौल बनाना पड़ता है उसके बहुत सारे इब्तदाई काम करने पड़ते हैं इंतजाम करने पड़ते हैं चुनाचे इधर तो हिदायत दी कि तुम्हारे आपस में मोहब्बतें अगर नहीं होंगी तो तुम्हारे ईमानी पूरा नहीं होगा फिर मोहब्बतें पैदा करने के रास्ते बतलाए एक रास्ते यह बतला कि एक दूसरे को खाना खिलाए एक रास्ते बतलाया कि एक दूसरे को सलाम करें और मोहब्बतों में खलल डालने वाली चीज़ें उनको मना किया चनात फरमाया कि ईमान के सत्तर से ज़्यादा शोबे हैं सत्तर से ऊपर शोबे हैं बड़े बड़े इस ईमान के शोबों का मतलब यह कि बहुत ही ख़ास ख़ास अहमाल हैं अल्लाह ताला को जो बहुत ही ख़ास पसंद है और ईमान का तकाजा है वह सत्तर से कुछ ऊपर है सबसे अफजल अमल तो शाह शहादत अला मोहम्मद और अदना दर्जे का अमल उसमें से है इमातल अने तरीक रास्ते से तकलीफ की चीज को हटा देना अब देखिए इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते लोग कि दीन के जामियत कितनी है दीन के हकाम कैसे हमारी जिंदगी के कितना शोबों में देखिए अगर आपने फल खाया उसका छिलका फेंक दिया कोई उसमें उस गंदगी महसूस करेगा अपने घर को साफ किया काड़ कबाड़ बाहर फैला दिया आने जाने वालों को तकलीफ होगी गंदगी फैला दी तो गंदगी फैलाने से तो मना किया ही है तो जदीस में आता है कि अपने घरों के इर्द गिर्द को साफ रखो यह यहुद। और यहूदियों की मुशाबात ने इख्तियार करो उस ज़माने में यहूदी यह करते थे दिर सालत के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि अपने घरों को साफ कर देते और आड़ कबाड़ बाहर फैला देते थे तो अपने घरों को साफ करना काफ़ी नहीं बल्कि घर के इर्द गिर्द को भी साफ़ रखो बाहर कबाड़ ना फैलाओ दूसरों को तकलीफ पहुँची थी अज़ा अन तरीक बल्कि यह कि अगर किसी ने और ने, और ने डाल दिए कोई चीज़ गंदगी की ऐसी चीज़ जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है उसको भी साफ करो उसको बेटाओ ये ईमान का तकाजा है देखिए अगर आने तो तरीक़ की जाएगी इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी एक हदीस में आता है कि एक शख्स की मखफरत इसी बात पर हो गई कि उसने एक कांटेदार शाख थी जो रास्ते में लटकी हुई थी उससे तकलीफ पहुंचती थी लोगों को उसको काट दिया उसी उसी पर मफ़रत हो गई उसकी तो जब आदमी एहतमाम करेगा कि रास्ते में कोई तकलीफ़ की चीज़ अगर किसी के रास्ते में पड़ी हुई है उसको हटा दे इससे भी आप इसे इस मोहब्बतें बढ़ेंगी और मोहब्बतें ख़त्म करने वाली जो चीज़ थी वो उसका इजाला होगा और आगे चला मामला और वो ये कि नफ़रतें और दुश्मनियाँ पैदा जो होती हैं उसकी बुनियाद चलती है कहाँ से कि आपकी तरफ से दूसरे को अदना तकलीफ़ पहुँचे कोई जबान से या हाथ से कानून ने बता दिया कि अलमुसलिमनसलिम अलमसलिमों ने मिल्लसा नहीं, मिल नहीं वजह थी मुसलमान वो होता है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे तो देखिए मोहब्बतें बढ़ाने वाले हिदा, वाली काम बताए कि वो काम करो मोहब्बतें बढ़ेंगी मोहब्बतों में रखना डालने वाली चीज़ों को मना किया कि इमारत तो लाल तरीक़ भी करो और मोहब्बतें मज़ीद बढ़ेंगी और रास्ते में दूसरों को कि तकनीक पेज न फैलाओ और आगे कानून बना दिया पूरी ज़िंदगी के मुआसरे का कि जहाँ कहीं भी हो इस बात का लिहाज रखो कि दूसरों को तुमसे तकलीफ़ ना पहुँचे हती कि इसमें तो गैर मुजरिमों की तकलीफ़ पहुँचाना भी जायज़ नहीं तो खूब समझ लीजिए कि हज़ूर सलील वसल्लम का जो इरशाद है सलाम फैलाने का ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है मोहब्बत फैलाने का मोब्बतें बढ़ाने का अलबत् सलाम के सिलसिले में इसके भी एहतियात रखनी चाहिए कि सलाम ऐसे तरीके से नहीं करना चाहिए कि दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे खाना खा रहा हो कोई आदमी उसको सलाम करना मकरू है पानी पी रहा हो मकर है उसको सलाम करना दो आदमी बात कर रहे हैं बीच में आकर कोई सलाम करे ये भी बकरू है तो ये आदाब है इस्लाम के ये आदाब सीखने की ज़रूरत है से सीखने की ज़रूरत है को भी चाहिए कि वो बयान करें गज़ब की बातों को बाद लोग ये समझते हैं कि सलाम करें या ना करें मुसाफा बहुत ज़रूरी है हालांकि मुसाफा ना फ़र्ज है ना वाजिब है ना सुन्नत मौकदा है मुस्तहब है कि अगर करें तो बहुत अच्छा न करे तो कोई गुना नहीं बल्कि जब मोहब्बत से दो मुसलमान भाई मुसाफा करते तो दोनों के गुना भी माफ होते आदि इसमें आता लेकिन इसमें भी शर्त है कि मुसाफा इस शर्त के साथ हो कि उसको तकलीफ ना पहुँचे सलाम में भी ये शर्त है कि सलाम सलाम ऐसे अंदाज में करें कि उसको तकलीफ ना पहुँचे मुसाफर में और ज़्यादा पाबंदी है क्योंकि ये तो मुस्ताहब है उन्होंने तो मौत भी नहीं ऐसे वक्त में आप मुसाफ़रे की कोशिश न करें जब आदमी जल्दी में जा रहा हो जब उसका हाथ खाली ना हो या अंदाज़ा करें कि वो उसको तकलीफ़ होगी इस वक्त मुसाफ़ा करने में तो ऐसे मौके पर सलाम मुसाफा नहीं करना चाहिए आप कोई आदमी बैठा हुआ लिख रहा है और आपके पास आप जो सलाम करके गया और तो आप खड़े हैं कि सलाम भी कर लिया मुसाफा भी करना चाहते हो वो कलम रखेगा तो हवा हवा से कागजा उड़ जाएंगे तो तरह तरह की मुश्किल पैदा होंगी तो मुसाफा एहतियात करनी चाहिए कि दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाए बग़ैर गया मुसाफों आज कल तो मुसाफ़रे को ऐसा वबाल जान बना दिया लोगों ने कि किसी बुज़ुर्ग से किसी आलिम से मुसाफा करना है तो इसको भी कोने मारी उसको भी कोने मारी इसको भी धक्का दिया उसको भी धक्का दिया इतने आदमी को धक्का दिया कर तो हराम काम किए नाजायज़ काम किए और फिर एक मुस्ताह काम ये कर लिया कि मुसाफ़ा कर लिया साहब से तो इतने हराम काम करके एक मुसा एक मुस्ताव अमल करना यह कोई अकलमंदी और दानिशमंदी की बात नहीं है इतने मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाना तो इससे बचाए सके कि मोहब्बतें पैदा हो और नफ़रतें पैदा होती अच्छा बाद लोग सलाम के साथ मान मान कभी करना ज़रूरी समझते और वहीं से ऐसी हाथ में उठा कर चलते जैसे कि अभी हमला करेंगे भाई क्यों मानका तुम क्यों कर रहे हो से एक दूसरे को लगाने की कोशिश कर रहे हो मानका भी एक अच्छी चीज़ है शराइत के साथ है जहाँ तक हमने रिवायात में देखा है वो ये है कि सफ़र से वापसी हुई हो किसी की और वो आदमी भी ऐसा हो जिसका आपस में ताल्लुक़ बहुत है आने वाले का भी और जिससे जिसके पास आए हैं उनके दरमियान मोहब्बत भी ताल्लुक मोहब्बत का है पुराना ताल्लुक़ है और सफ़र से वापस आए हैं तो उस तो मुआनका भी कर लो ठीक है बाकी अवात में मुआनक़ा के हमें कहीं मिसा, मिसालें मुझे कम अज़ कम याद नहीं हैं रिवायात में मैं तलाश भी करता रहा हूँ मुझे सिर्फ़ एक मौका मिला है कि एक साबित है तो जदबिन हारे था या जदन साबित किसी लंबे सफ़र से वापस आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सीधे से लगा दिया महाना फरमाया और भी कुछ मौाक़े होंगे लेकिन बाद लोग सलाम के साथ मुआनखा की भी कोशिश करते अजनबी आदमी बे अजनबी आदमी को मुनखा क्यों कर रहा है इसके कोई यह सुना सेबित नहीं है तो आदाब की ज़रूरत है और खुलासा ये है कि वह काम करें जिससे आप इसमें मोहब्बतें बढ़ें जब यह काम किए जाएंगे तो इन महोबत मुसलमानों में इतिहाद और इतफाक़ भी पैदा होगा लोग कहते तो हैं कि इतफाक मुसलमानों को इतफाक से रहना चाहिए कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि इतफाक अच्छी चीज़ नहीं जितने लड़ाई झगड़े वाले हैं उन सब से भी पूछो वे कहेंगे इतिहाद को ज़रूर होना चाहिए कातिलों से भी पूछो कहेंगे इतिहाद बहुत ज़रूरी होने चाहिए इतफाक जरूर होने चाहिए हमारे वाल साहब रहा फरमाते कि इतिहाद पर भी क्यों नहीं होता वजह उसकी है कि हर एक का मतलब नज़दीक इत्याद और इतवाक का मतलब है कि जो मैं कहता हूँ उसको मान लो फिर इत्याद हो जाएगा तो फिर दूसरा भी ये कहेगा कि जब तुम मैं जो मैं कहता हूँ तुम मान लो कैसे इतवा हो जाएगा इतवा के लिए तो वह रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे जो रसूल सल ने साथ फरमाए हैं अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक तो अता फरमाए आज का खास सबक जो है हमारा सलाम को जिंदा करना है सलाम की सुन्नत को जिंदा करना है असलम कसरत से किया जो भी मिले सलाम करे जो भी मिले सलाम करे जो भी मिले सलाम करे छोटा मिले या बड़ा मिले अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए व आखिर उदावाना आने डब्ल्यू 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 डॉट कुरान